चलिए करंट अफेयर्स का रामायण वीडियो देख लेते हैं बाईस मार्च की आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होगा महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से मैक्सिमम सवाल आएंगे ऐसा मेरा विश्वास है इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि डेली हमने एक शेड्यूल बना रखा है सुबह के छः बजे के आसपास और रात में आठ बजे डेली हमारे दो वीडियोज़ आएंगे पहला वीडियो जो रहेगा सुबह वाला उसमें करंट अफेयर्स डेली का डिस्कस होगा साथ ही परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी और जीएस के जीके के जो पार्ट्स होंगे जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होंगे उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे तो मानचित्र के माध्यम से भी चर्चाएं होंगी तो काफी इनोवेटिव प्रोग्राम है आपके लिए आप उसको डेली देखना मत भूला करिए और शाम को जो आठ बजे रात में हमारी जो क्लास आती है वो सामान्य अध्ययन का संपूर्ण आपको पैकेज उपलब्ध कराएगी तो उसको देखना डेली मत भूलिए आज हमने आठ बजे वाली वीडियो को मिस कर दिया है क्यों क्योंकि ये रामायण वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं हमारे विभिन्न टेलीग्राम प्रोग्राम्स चलते हैं पेड ग्रुप चलता है आप नीचे दिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके इन ग्रुप से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं बजट दो हजार से प्रारंभ करते हैं बजट दो हजार का जब आकार, जो पूछा जाएगा, आकार आप क्या बताएंगे क्या ऑप्शन टिक करेंगे तीस लाख बयालीस हजार दो सौ तीस करोड़ रुपए ये बजट दो हजार बीस इक्कीस का आकार रहा जो कि दो हजार उन्नीस बीस का जो संशोधित जो आंकड़ा रहा उससे बारह दशमलव सात प्रतिशत अधिक रहा उत्तर प्रदेश बजट से तुलना करें क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे 18 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में इनके द्वारा पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2021 और इसका जो आकार रहा वो रहा वो रहा पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ रुपए दशमलव सेवन टू करोड़ रुपए ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का तो दोनों में तुलना करके पढ़िएगा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और यह 2019-20 से पूछा जाए कितना ज्यादा है तो तैंतीस करोड़ रुपए अधिक है 2019-20 के बजट से यूपी का बजट जो इस बार रहा आम बजट जो भारत सरकार का है उसका राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2018-19 में राजकोषीय घाटा जहां पे तीन दशमलव चार था अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में यह बहुत ज्यादा हो गया तीन दशमलव आठ हो गया क्योंकि अनुमानित था थ्री पॉइंट थ्री लेकिन घाटा बढ़कर 3.8 हो गया अब 2021 अर्थात वर्तमान वित्त वर्ष में जो अनुमानित आंकड़ा है कितना है राजकोषीय घाटा का 3.5 राजस्व घाटे की बात करें 2018-19 में 2.4 2019-20 में अनुमानित था 2.3 लेकिन यह ज्यादा रहा 2.4 रहा 2020-21 में 2.7 रहेगा ऐसा अनुमानित किया गया है प्रभावी राजस्व घाटा 2018-19 में 2019-20 में 1.5 अनुमानित था 1.3 लेकिन ठीक है बढ़कर 1.5% हो गया ये जीडीपी का 1.5% है दोस्तों 2020-21 में 1.8% होने का अनुमान है जीडीपी का प्राथमिक घाटे की बात करें तो 2018-19 में 0.4% रहा जही 2019-20 में ये 0.7% हो गया जबकि अनुमान था केवल 0.2% से काफी ज्यादा बढ़ गया दो हजार की बात करें तो यह अनुमान जीरो फोर परसेंट पुनः लगाया गया है तो यह पूछा जा रहा है प्रश्न काफी बार से आरो ओ के एग्जाम में भी देखा गया तो बीईओ में भी पूछ सकता है स्टेटमेंट के माध्यम से आय की बात करें तो भारत सरकार की जो सबसे ज्यादा आय का जो स्रोत है वह है उधार एवं अन्य देयताएं वो बीस परसेंट है और दूसरे स्थान पर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर और निगम कर दोनों ही दूसरे स्थान पे हैं दोनों 18 18 प्रतिशत आय कराते हैं भारत सरकार की व्यय की बात करें तो करों व शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा बांटा जाता है भारत सरकार के द्वारा वो सबसे ज्यादा व्यय का स्रोत है कितना बीस प्रतिशत वहां पर खर्च होता है भारत सरकार का ब्याज भुगतान में दूसरे नंबर पे अठारह प्रतिशत और तीसरे स्थान पे केंद्र सरकार की जो स्कीम्स चलती हैं योजनाएं चलती हैं तेरह प्रतिशत उसमें खर्च होता है तो ये खर्च की टॉप थ्री मदे हैं अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में दोस्तों जो कि बजट के एक दिन पूर्व यह घोषित होता है 31 जनवरी 2020 को यह प्रस्तुत किया गया 31 जनवरी 2020 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा ये इसको तैयार किसने किया डी आर्थिक मामलों के विभाग ने और इसमें जो मुख्य योगदान रहता है मुख्य आर्थिक सलाहकार का रहता है जो कि इस समय कौन है के सुब्रमण्यम है ये दोनों तैयार करते हैं मिलकर और वित्त मंत्री जो है इनको पेश करता है इसकी जो थीम रही आर्थिक सर्वेक्षण की वो रही वेल्थ क्रिएशन धन बनाना या धन सृजन इसका जो कलर रहा रंग रहा वो रहा लेवेंडर क्या रंग रहा इसका लेवेंडर आर्थिक वृद्धि की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 में जो आर्थिक वृद्धि रही 5% परसेंट रही पहली तीन क्वार्टर्स में पहले तीन क्वार्टर्स में केवल 5% परसेंट रही जो कि 10 वर्षों में सबसे कम रही 2020-21 में 6 टू पॉइंट परसेंट यह अनुमानित किया गया है 2018-19 की बात करें तो यह कितना थी सिक्स थी काफ़ी अच्छी पोजिशन थी उस समय धन सीजन व पाँच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने हेतु यह कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा कि धन सीजन के लिए और पाँच ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024-25 तक बनाने के लिए जो कि अभी दूर की कौड़ी दिख रही है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय इसमें, इसमें संकट के दौर से गुजर रही है ये हर कोई मान रहा है तो बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना इसे भरोसे का सहारा देना व्यापार व निवेश अनुकूल नीतियां बनाना समान अवसर प्रदान करना ये चार जो है मुख्य चीजें अपनाई जाएंगी भारत सरकार द्वारा ऐसा कहा गया है विश्व बैंक के अनुसार नई कंपनियों के गठन के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है वर्ष 2014 में भारत में सत्तर हजार नई कंपनियां खुली थी जबकि 2018 में ये इनकी संख्या बढ़ के एक दशमलव चौबीस लाख हो गई तो एक दशमलव चौबीस लाख नई कंपनियां खुली 2018 में जो कि 2014 की तुलना में 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है सबसे ज्यादा कंपनी जो खुली वो सेवा सेक्टर में सर्विस सेक्टर में खुली दूसरे स्थान पर विनिर्माण सेक्टर और तीसरे स्थान पर अवसंरचना व कृषि सेक्टर में नई कंपनियां खुली हैं विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी बताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 में तीन दशमलव पांच प्रतिशत करने का लक्ष्य है और 2030 में कितना करने का लक्ष्य है छह प्रतिशत करने का लक्ष्य है दोनों ही आपको याद रखना है 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली चार करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी ऐसी बात आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है और 2030 तक ये इनकी संख्या बढ़ के आठ करोड़ हो जाएगी तो कुल आठ करोड़ नौकरियां 2030 तक और चार करोड़ नौकरियां 2025 तक और कैसी अच्छे वेतन वाली नौकरियां अच्छा वेतन क्या है यह हालांकि वित्त मंत्री ने नहीं बताया विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक कितना था भारत का तो यह अक्सर पूछा जाता है चार बिलियन डॉलर यह भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार है चालू खाते के बिलियन और मिलियन में अंतर समझिएगा कभी-कभी मिलियन डॉलर दे देता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे तो बिलियन डॉलर है ठीक है चालू खाता घाटा की बात करें तो 2018 हजार में जीडीपी का 2.1 परसेंट रहा चालू खाता घाटा भारत का 2019-20 में जीडीपी का 1.5 परसेंट रह गया तो कम हो गया चालू खाता घाटा जो है जीडीपी का केवल वन रह गया दो हजार -20 में शीर्ष जो निर्यात हुए हैं कहा हुए है भारत के तो यूएसए फिर दूसरे स्थान पे यूएई और तीसरे स्थान पे चाइना चौथे स्थान पे हांगकांग शीर्ष आयात कहां से हुआ है भारत में तो चीन दूसरे स्थान पे यूएसए तीसरे स्थान पे यूएई चौथे स्थान पे सऊदी अरब शीर्ष पांच व्यापारिक साझेदार अर्थात आयात निर्यात कुल मिलाकर के तो यूएसए पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे चाइना तीसरे स्थान पे यूएई चौथे स्थान पे सऊदी अरब पांचवें स्थान पे हांगकांग शीर्ष आयात किस पदार्थ का हुआ है अगर पूछा जाए तो शीर्ष आयात की मद क्या रही भारत में कच्चा पेट्रोलियम फिर दूसरे स्थान पे सोना तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद चौथे स्थान पे कोयला पांचवें स्थान पे कोक एवं ब्रिकेट्स शीर्ष निर्यात की मद क्या रही कौन सी तो अक्सर एक ही पूछा जाता है हालांकि कभी मान लीजिए दो तीन दे दिया तो क्रम से तो पेट्रोलियम उत्पाद ही पहले स्थान पर निर्यात के मामले में भी सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है दूसरे स्थान पर बहुमूल्य पत्थर तीसरे स्थान पर औषधियों के नुस्खे नुस्खे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मर्चेंटाइज मर्चेंटाडाइज जो आयात है उनमें कमी आई है और नॉन पीओ निर्यात में वृद्धि हुई है पूछ सकता है बजट दो हजार की बात करें अब बजट की बात करते हैं एक फरवरी दो को जैसा कि मैंने बताया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया इसमें कहा गया भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व अब फिर भारत फिर से विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है बहुत महत्वपूर्ण बात है बजट की पृष्ठभूमि क्योंकि बीच में सातवें स्थान पर पहुंच गया था बजट की पृष्ठभूमि दो बातों पर आधारित है इस बार प्रौद्योगिकी उन्नयन और दूसरा पंद्रह से पैंसठ उत्पादक जो आयु वर्ग है उसको उसका वरदान इन दो बातों पर बजट की पृष्ठभूमि आधारित है इसकी तीन थीमें हैं तीन थीमें कौन कौन सी हैं थीम देकर के आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है एक तो है महत्वाकांक्षी भारत दूसरा है सबके लिए आर्थिक विकास और तीसरा है सामाजिक संरक्षण इन तीन थीमों पर यह बजट बनाया गया है इस बार का चर्चा के पूर्व एक कश्मीरी भाषा में कविता पढ़ती हैं प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं सभी करते हैं वही सुंदर वतन के लिए है ये किसकी कविता थी बहुत महत्वपूर्ण है पंडित दीनानाथ कौल की कविता थी पूछा जा सकता है कश्मीरी भाषा में कविता थी हालांकि ये हिंदी उसका एक प्रकार से हिंदी अनुवाद है पीपीपी मॉडल पे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके मॉडल पे किसान रेल की घोषणा की है किसान रेल लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है महत्वपूर्ण है किसान रेल नाम याद रखिएगा उन राज्यों की सहायता जो एक जिला एक उत्पाद योजना पर फोकस करेंगे उनके लिए सहायता कार्यक्रम चलाए जाएंगे भारत सरकार के द्वारा जैसे भारत उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें एक उत्पाद एक जिला योजना चलाई जा रही है तो ऐसे जो राज्य होंगे जो ऐसी योजनाएं चलाएंगे उनको भारत सरकार के द्वारा संवर्धन किया जाएगा उनकी सहायता की जाएगी इस कार्य में टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान चालू किया गया है जिसका लक्ष्य 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य पूर्ण करना है तो इसमें यह अभियान सहायता करेगा टीबी हारेगा देश जीतेगा यह स्लोगन याद रखिएगा स्वास्थ्य क्षेत्र में उनहत्तर हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको आयुष्मान भारत भी कहते हैं उसमें अकेले चौसठ करोड़ रुपए खर्च होंगे 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन हेतु 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है जल जीवन मिशन जो कि पिछले बजट में चलाया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उसमें तीन लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है स्टडी इन इंडिया जो विदेशी छात्र हैं उनको भारत में शिक्षा संस्थानों पर शिक्षण के लिए आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की घोषणा पिछले बजट में की गई थी तो इसके लिए इसके तहत एशियाई व अफ्रीकी देशों में इंडसेट आयोजन का प्रस्ताव रखा गया है इस बार तो कहाँ कहाँ एशियाई व अफ्रीकी देशों में दो में शिक्षा क्षेत्र में जो खर्च है निन्यानवे करोड़ है कौशल विकास में जो खर्च होगा तीन हजार करोड़ रुपए होगा यह बजट में कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार की बात है कि सिंधु लिपि को पढ़ने की बात की गई है तो यह एक मुख्य बात है सिंधु लिपि की कई जो कठिन भाषाएं थी उनको पढ़ा जा चुका है यह कामयाबी हासिल हो चुकी है ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है हालांकि इस पर विस्तृत व्याख्यान आना भी बाकी है पांच नए स्मार्ट शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव है तो पांच नए स्मार्ट शहरों को अब विकसित करने का प्रस्ताव अभी तक सौ स्मार्ट शहर थे अब बढ़कर पांच कितने हो जाएंगे अब एक स्मार्ट शहर हो जाएंगे उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम क्या नाम है निर्वीक निर्वीक स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाएगी किस लिए उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए पांच पुरातत्व स्थलों का विकास की बात की गई है तो वो पांचों पुरास्थलों स्थलों का नाम याद रखिएगा एक राखीगढ़ी है हरियाणा में स्थित है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है शिव सागर ये असम में स्थित है धौलावीरा गुजरात में स्थित है आदि नलूर ये तमिलनाडु में स्थित है तो ये पांचों नाम आपको याद रखने हैं रांची में एक जनजाति संग्रहालय को समर्थन की बात की गई है तो जनजाति संग्रहालय जो रांची में बनेगा उसको भारत सरकार समर्थन करेगी लोथल में पोत संग्रहण की स्थापना की जाएगी आपको पता है लोथल जो है विख्यात है गोदीवाड़ा के लिए जो हड़प्पा सभ्यता में था तो वहां पर एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी जी ट्वेंटी के आयोजन 2022 में जो आयोजन होगा उसके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च की बात बजट में है विनिर्माण क्षेत्र में कार्पोरेट टैक्स निगम कर तो इसमें नई कंपनियों कंपनियों हुए पंद्रह प्रतिशत और मौजूदा कंपनियों हुए तो बाईस प्रतिशत टैक्स जो है कर दिया गया है तो यह एक बहुत बड़ी छूट दे दी गई है निगम कर में विवाद से विश्वास योजना यह महत्वपूर्ण है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है पूछ सकता है तो प्रत्यक्ष करों की मुकदमेबाजी को कम करने हेतु विवाद से विश्वास योजना की घोषणा हुई है पिछले बजट में सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों से संबंधित थी जो विवाद और मुकदमा मुकदमेबाजी कम करने से संबंधित थी उसका क्या नाम था सबका विश्वास सबका विश्वास था यह अप्रत्यक्ष करों से संबंधित था और विवाद से विश्वास ये प्रत्यक्ष करों से संबंधित है प्रत्यक्ष कर जैसे आपका आय निगम कर आदि हो गया जबकि अप्रत्यक्ष कर जैसे आपका जीएसटी हो गया वस्तु एवं सेवा कर ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं तो प्रत्यक्ष कर के लिए विवाद से विश्वास अप्रत्यक्ष कर के लिए सबका विश्वास योजना 2006 से 2016 के कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है तो 2006 से 2016 तक भारत सरकार का ऐलान है कि सत्ताईस दशमलव एक करोड़ लोगों को को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है अर्थात वो उनकी स्थिति सुधर गई है कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख पंप सेट दिए जाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है कितना 20 लाख कुसुम योजना के तहत धन लक्ष्मी योजना ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हेतु धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है तो ये थी बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें बहुत महत्वपूर्ण है पूछा जा सकता है प्रमुख रिपोर्टों की बात करें भारतीय तो स्वास्थ्य विकास रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट जो स्वास्थ्य विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 जारी हुआ किसके द्वारा जारी हुआ पूछा जाएगा नीति आयोग द्वारा पहले स्थान कौन रहा केरल रहा अंतिम स्थान पे कौन रहा बिहार इस सूचकांक पे अंतिम स्थान पे रहा प्रथम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 हजार नीति आयोग द्वारा यह भी जारी किया गया बड़े राज्य छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीन भागों में बांटा गया इसमें राज्यों राज्यों को तो बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर रहा अंतिम स्थान जो रहा रहा वो अपने उत्तर प्रदेश का रहा। प्रथम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ठीक यह नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया इसको छोटे राज्य की बात करें तो मणिपुर पहले स्थान पर रहा अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा केंद्रशासित प्रदेशों में पहले स्थान पर चंडीगढ़ रहा और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप रहा केंद्रशासित प्रदेशों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो जारी की गई यह 16वीं रिपोर्ट थी 30 दिसंबर 2019 को इसको जारी किया गया हर दो वर्ष में जारी की जाती है उन्नीस से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है दो में इसकी अंतिम रिपोर्ट आई थी पंद्रहवीं यह सोलहवीं है तो वनावरण अब कितना हो गया भारत में इक्कीस दशमलव छह सात प्रतिशत वृक्षावरण कितना हो गया है टू पॉइंट एट नाइन प्रतिशत और कुल मिलाकर के वनावरण वृक्षावरण चौबीस दशमलव पांच छह प्रतिशत हो गया है कुल अगर किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो आठ लाख सात हजार दो सौ छिहत्तर वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण में है भारत 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई वनावरण में वृक्षावरण में पांच किलोमीटर स्क्वायर जीरो 0.65 परसेंट की वृद्धि हुई कुल मैंग्रोव वन कितना है भारत में तो चार वर्ग किलोमीटर है कितनी वृद्धि हुई चौवन किलोमीटर स्क्वायर अर्थात चौवन वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहां है तो गुजरात में है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल दोस्तों Uh, कौन है टॉप पे मध्यप्रदेश पहले स्थान पे है वन क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के माध्यम मामले में प्रतिशत वन में देखा जाए क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में मिजोरम पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे मेघालय सर्वाधिक वृक्षावरण कहां पे है दोस्तों तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है सिक्स पॉइंट वन फाइव परसेंट वृक्षावर उत्तर प्रदेश में कितना है, है? 9.20 है इंडिया जस्टिस 2019 रिपोर्ट 2019 ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं पूछा जाता है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया पहले स्थान पे इसमें महाराष्ट्र रहा अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा था लोगों को न्याय दिलाने में पहले स्थान पे महाराष्ट्र अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश प्रथम भारत नवाचार सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया यह पहला था याद रखिएगा बड़े राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में और तीसरे में पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों को रखा गया बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु अंतिम स्थान पर झारखंड रहा केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में दिल्ली पहले स्थान पर रहा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम पहले स्थान पर रहा चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ ये हम पीडीएफ आपको दे देंगे बीईओ वाले ग्रुप में और अन्य जो रि, रिलेवेंट ग्रुप्स हैं जो कि अभी जो एग्जाम्स होंगे आगे उनके लिए भी रिलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे तो उनमें भी हम पी दे देंगे चतुर्थ अखिल भारतीय बाघ गणना रिपोर्ट दो जारी की गई कब जारी की गई 29 जुलाई 2019 को विश्व बाघ दिवस पे अब भारत में कुल कितने बाघ हैं दो हजार नौ सौ सड़सठ बाघ हैं 2014 से 18 के मध्य कितनी वृद्धि हुई बाघों में तो 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं बाघ कितने हैं 526 सौ कर्नाटक में दूसरे स्थान पे 524 दो कम हैं तीसरे स्थान पे उत्तराखंड 442 अपना उत्तर प्रदेश कितना बाघ रखता है एक बाघ उत्तर प्रदेश में है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या घटी है ध्यातव्य है बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है डंपा मिजोरम में है पलामू झारखंड में है यहां पर बाघ अनुपस्थित पाए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की जो रिपोर्ट आई आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसमें इंदौर को पहला स्थान और अंतिम स्थान सहरसा बिहार को मिला सबसे स्वच्छ राजधानी का भोपाल को मिला अवार्ड और बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट राज्य का अवार्ड छत्तीसगढ़ को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार की बात करें जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है देखिए याद रखेगा जो स्वच्छता सर्वेक्षण दो जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है मुख्य वो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा होता है जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार जो दिया जाता है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है शीर्ष स्थान पे इस बार तमिलनाडु रहा और पेड़ापल्ली जिला जो है तेलंगाना का यह जो है जिलों में सबसे शीर्ष रहा पेड़ापल्ली जिला राज्यों में शीर्ष पे कौन रहा तमिलनाडु दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया केरल लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा यह पूछा भी गया प्रश्न था यूपी पीसीएस में और बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा पद्म पुरस्कार 2020 इसमें कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए सात पद्म विभूषण दिए गए सोलह पद्म भूषण दिए गए और एक सौ अठारह पद्मश्री पुरस्कार प्रदान तो कुल एक सौ इकतालीस पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए छब्बीस जनवरी को ऐलान किए गए और तैतीस महिलाओं और बारह लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया सबसे महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण क्योंकि इस बार भारत रत्न नहीं दिया गया तो विभूषण जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है ये पूछा जा सकता है किसको इसको मिला अरुण जेटली को सुषमा स्वराज को अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जॉर्ज फर्नांडिस को मिला मैरी कॉम को मिला पंडित छन्नू मिश्रा जो कि शास्त्रीय गायक और विश्वेश तीर्थ स्वामी इन सातों लोगों का नाम रट लीजिए पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दो ये किसको मिला डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को मिला अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दो आईसीसी अवार्ड 2019 की बात करें क्रिकेट में जो दिया जाता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड पेस्ट पेट, पेट कमिंस को दिया गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्रिकेट का अवार्ड भारतीय टीम को दिया गया जिसकी कप्तान विराट कोहली हैं टी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड दीपक चाह को भारतीय खिलाड़ी हैं इनको प्रदान किया गया महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड एलिस पेरी को ऑस्ट्रेलिया की हैं इनको मिला बीसीसीआई के जो पुरस्कार 2019 में प्रदान किए गए पाली उमरीगर पुरस्कार बुमराह को मिला कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी के श्रीकांत को और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अंजुम चोपड़ा को दिया गया लारियस विश्व खेल पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड वर्ल्ड के नोवाक जोकोविच को मिला सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में यह पुरस्कार सिमोना बाइल्स को दिया गया अमेरिकी तैराक है टी, आ, टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार फ्रांस की फुटबॉल टीम को प्रदान किया गया बैलान आर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार जो होता है फीफा का किसको प्रदान किया गया पुरुष में लियोनल मेसी को महिला में मैगन रेपिनो को ध्यातव्य है कि लियोनल मैसी को लगातार छठी बार सॉरी सो, लगातार नहीं रिकॉर्ड छठी बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं पैंसठवां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 गुवाहाटी में जो कि आयोजित हुआ था गली बाय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला कुल तेरह पुरस्कार गली बाय को मिले अभी हाल ही में हुआ था रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और जोया अख्तर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग 16 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं स्वीडन की इनको प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार दो नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा हेतु इनके काव्य छलकते आंसू के लिए दिया गया और शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा में गद्य संग्रह एन इरा ऑफ डार्कनेस हेतु दिया गया बहुत महत्वपूर्ण है दोनों तैतीसवां मूर्ति देवी पुरस्कार दो हजार उन्नीस डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को इनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए प्रदान किया गया तैंतीसवां मूर्ति देवी पुरस्कार मिस वर्ल्ड दो जो उनहत्तरवा मिसवर्ड वर्ल्ड 2019 का पुरस्कार है यूके में संपन्न हुआ यूनाइटेड किंगडम में टोनी एन सिंह जो कि जमैका की, की हैं, कहा की हैं, जमैका की मिस मिसवर्ड है ये, टोनी एन सिंह इनको प्रदान किया गया ये विश्व सुंदरी बनी दो में दूसरे स्थान पर रही दूसरे स्थान पे अकेली मेजिनो जो कि फ्रांस की हैं ये फर्स्ट रनर अप, रन अप रहीं और सुमन राव की जो जो कि मिस इंडिया भी 2019 की थी ये सेकंड रनअप अप रहीं ये तीसरे स्थान पर रहीं मिस यूनिवर्स 2019 की बात करें तो जोजी बीनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की हैं जॉर्जिया में रहीं यह साठवां आयोजन था मिस यूनिवर्स का अन्य पुरस्कार व सम्मान राष्ट्रीय में देखें तो तमिलनाडु सरकार का डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 डॉक्टर के सिवान जो कि इसरो के चेयरमैन हैं उनको प्रदान किया गया राजीव गांधी खेल रत्न 2019 पुरस्कार बजरंग पुनिया व दीपा मलिक को बजरंग पुनिया कुश्ती खिलाड़ी हैं और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स हैं वीर चक्र दो पुरस्कार दोस्तों यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया वीर चक्र 2019 संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 एस सौम्या ये कर्नाटक संगीत की गायिका हैं इनको प्रदान किया गया छठवां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अति महत्वपूर्ण है किसको दिया गया सवश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड हेल्लारो गुजराती फिल्म है इनको दिया गया सवश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर उरी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार अंधाधुन को दिया गया श्री राम राघवन इसके निर्देशक थे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को दिया गया आयुष्मान खुराना को अंधाधुन में काम करने के लिए और विक्की कौशल को उरी मूवी में काम करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सुरेश को मोहम्मति फिल्म में काम करने के लिए सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म को का पुरस्कार पैडमैन जो कि अक्षय कुमार की मूवी थी इसको प्रदान हुआ सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को प्राप्त हुआ अगस्त 2019 में दिल्ली में आयोजित चौदहवें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ नवाचार व पहल नेतृत्व पुरस्कार किसको प्रदान किया गया राजस्थान राज्य को इंडियन वुमन ऑफ इंफ्लुएंस पुरस्कार किसको दिया गया प्रिया प्रदर्शनी जैन को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा दिया गया तो महत्वपूर्ण पुरस्कार है मिस मिस इंडिया सुमन राव राजस्थान जो कि सेकंड रनर अप रही वर्ल्ड प्रतियोगिता में अट्ठाइसवां और उनतीसवां बिहारी पुरस्कार अट्ठाइसवां बिहारी पुरस्कार दो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था इनके हिंदी उपन्यास स्वप्नपाश हेतु तो। वहीं उन्तीसवां जो बिहारी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर आई दान सिंह को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 ये राणा दास गुप्ता इनके साहित्य जो सोलो है साहित्य इसके लिए दिया गया और ये सासा कावा को सामाजिक उपलब्धि हेतु इन दोनों लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दो प्रदान किया गया अट्ठाईसवां और उनतीसवां सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में अट्ठाइसवां जो प्राप्त हुआ डॉक्टर के शिवा रेड्डी तेलुगु कवि हैं इनके काव्य संग्रह पक्का की उत्ती गिलते के लिए प्रदान किया गया वहीं उन्तीसवां जो है वासदेव मोही को मिला है हाल ही में उन्तीसवां सरस्वती सम्मान 2019 हजार और उन्तीसवा व्यास सम्मान 2018 और 19 तो अट्ठाईसवां तो 2018 का लीलाधर जिगुड़ी को मिला था हिंदी लेखक अक्सर पूछता है काव्य संग्रह इनका था जितने लोग उतने प्रेम वहीं उन्तीसवां जो है नासिरा शर्मा का है २९वां अवार्ड ब्यास सम्मान इनको नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया २८वां जी डी बिरला पुरस्कार घनश्याम दास बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रोफेसर राजीव कुमार वाश को प्रदान किया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार २०१९ मीडिया के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार माना जाता है प्रियंका दुबे को बीबीसी की यह संवाददाता इनको प्राप्त हुआ पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दो ये अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर है प्रदान किया गया अशोक चक्र दो लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत दिया गया गांधी शांति पुरस्कार विभिन्न वर्षों के लिए विभिन्न लोगों और संस्थाओं को दिया गया 2015 के लिए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी को 2016 के अक्षर पात्र और सुलभ इंटरनेशनल दोनों ट्रस्टों को 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को और 2018 के लिए यूहे सासा कावा को भारत रत्न पुरस्कार 2019 ये यह प्रणब मुखर्जी को नाना जी देशमुख को मरणोप्रांत और भूपेन हजारिका को दिया गया था पदम पुरस्कार यह अब इसका रिलेवेंस नहीं रह गया क्योंकि इस बार का पदम पुरस्कार दिया जा चुका है आगे बढ़ेंगे चौवनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 दोस्तों अंग्रेजी में पहली बार यह अमिताभ घोष को प्रदान किया गया तो ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया और पचपन पचपनवा जो है अकीथम को दिया गया पचपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीथम यहां पे लिखना में भूल गया था अब ऐड कर दिया मैंने मलयालम मलयालम के साहित्यकार हैं ये अकीथम इनका नाम है पचपनवा ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 इसको इनको प्रदान किया गया पहला विश्व कृषि पुरस्कार दो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को भारत भारतीय सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को 2017 के लिए और 2018 के लिए डॉक्टर उषा किरण खान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया पचासवां दादा साहब फालके राष्ट्रीय पुरस्कार दो हजार अमिताभ बच्चन को इसके पहले विनोद खन्ना को उनचासवां प्रदान किया गया था पहला गौरी लंकेश अवार्ड 2019 रवीश कुमार को दिया गया डॉक्टर कलाम स्मृति अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 हजार ये शेख हसीना जो कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री हैं इनको प्रदान किया गया राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2018 मंजू मेहता को सितार वादक हैं पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दो सोनम कपूर को 24वां राज, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया पूछा गया प्रश्न है संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और एस किरण कुमार को प्रदान किया गया राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहीदा रहमान और प्रियदर्शन को 17, 18 और 18, 19 के लिए क्रमशः दिया गया शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर एडम हार्पर इंग्लैंड के हैं इनको दिया गया योग के संवर्धन व विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी और संगठन श्रेणी में वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए गए व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी राजर्षि मुनि को लाइफ मिशन गुजरात में ये काम करते हैं उनको दिया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ए रोजी को इटली के योग गुरु हैं इनको दिया गया संगठन की बात करें तो राष्ट्रीय बिहार स्कूल ऑफ योग को दिया गया मुंगेर में स्थित है अंतरराष्ट्रीय में जापान योग निकेतन संगठन को प्रदान किया गया अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण है अभी तक पूछा नहीं गया है तो पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र में भारतीय मूल के हैं भारतीय अमेरिकी अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्तर डफलो इसके साथ ही माइकल क्रेमर को प्रदान किया गया शांति का नोबेल अभी अहमद अली को इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं इनको प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में 2018 में नोबेल नहीं दिया गया था तो इस बार दिया गया ओल्गा जुक को पोलैंड की ये साहित्यकार हैं इनको जो मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2018 था, था वो भी इनको प्राप्त हुआ था 2019 के लिए पीटर हैंडके को ऑस्ट्रिया की है ये इनको प्रदान किया गया रसायन विज्ञान में जॉन वी गुडनाइफ सत्तानवे वर्ष के हैं आज तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं नोबेल पाने वाले अमेरिका के हैं स्टैनली बिटेंगम ब्रिटेन की हैं और अकीरा योशिनो जापान के इन तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में मिला लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए भौतिकी के क्षेत्र में मिशेल मेयर व डिडियर क्यूलोज स्विट्जरलैंड के हैं और जेम्स पीबल्स कनाडाई अमेरिकी इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम जी कॉलिन जूनियर सर पीटर जे रेटकिफ और ग्रेग एल सेमेंजा इन तीनों लोगों को मिला एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2019 हजार के द्वारा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है उसके द्वारा दिया जाता है रमेश पांडे को मिला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दो बहुत महत्वपूर्ण है किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है डिवीला मलोम जो कि कैमरून की हैं और ग्रेटा थुनबर्ग ये दोनों ही डिवीना मलोम पंद्रह वर्ष की हैं ग्रेटा थुनबर्ग सोलह वर्ष की हैं स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता इन दोनों को दिया गया बानबेवा आस्कर पुरस्कार 2020 में भारतीय फिल्म जो नामित थी क्या नाम था गली बॉय एम्बेसडर ऑफ कॉन्स अवार्ड 2019 एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है ग्रेटा थुनबर को और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मोमेंट दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उसकी श्रेणी है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड ए पोस्टल रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जायद मेडल यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है सियोल शांति पुरस्कार 2018 मिल चुका है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 हज़ार अट्ठारह ये मिल चुका है ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिल चुका है आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है किंग अब्दुल अजीज़ सैस साथ पुरस्कार सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशाने इजुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल गेट्स और मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन हेतु यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया तो इतने सारे पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्राप्त किए हैं द बुकर पुरस्कार जो मेन बुकर द मैन बुकर पुरस्कार जो होता है दो हजार उन्नीस ये मार्गरेट एडवुड और बर्नर डाइक

इनका उपन्यास गर्ल वुमेन और अदर पूछा भी गया था हाल ही में एपी के एग्जाम में पहली अश्वेत महिला व अश्वेत ब्रिटिश लेखिका ये बनी है ये पुरस्कार जीतने वाली मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय के नाम से दिया जाता है 2018 का ओल्गा टोक जुग को द फ्लाइट्स के लिए दिया गया था द फ्लाइट्स पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है और जोखा अलहारती को सेलेस्टियल बॉडीज के लिए दो का मिला है ओमान की पहली लेखिका है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली इक्यानवेवा आस्कर पुरस्कार और बानवेवा आस्कर पुरस्कार दोनों ही आप पढ़िएगा क्योंकि बानवेवा हाल ही में दिया गया है तो हो सकता है इक्यानवेवां पूछ ले तो कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इसीलिए हमने साथ में इन दोनों को रख लिया है इक्यानवेवां आस्कर पुरस्कार सवश्रेष्ठ फिल्म का ग्रीन बुक ग्रीन बुक को मिला था पीटर फेरली इसके निर्देशक थे और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अल्फांसो क्यूरॉन को मिला रोमा के निर्देशक अभिनेत्री जो थी सर्वश्रेष्ठ ओलिविया कॉलमैन द फेवरेट के लिए अभिनेता रामी मालिक बोहेमियन रेप्सोडी के लिए और विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार रोमा को दिया गया था वहीं बानवेवा पुरस्कार आस्कर का देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पैरासाइट को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो जी फिनिक्स को जोकर फिल्म के काम करने के लिए अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ रही रेनी जेलवेगर जूडी फिल्म के लिए निर्देशक जो रहे सर्वश्रेष्ठ बांग जून हो पैरासाइट फिल्म के लिए इसको इनको पुरस्कार मिला बहत्तरवें कांस फिल्म महोत्सव में पैरासाइट को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था एक में और में ग्रैमी ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं तो एक हालांकि पूछता एल्बम ऑफ ईयर का दिस इज अमेरिका और सांग ऑफ ईयर का भी दिस इज अमेरिका को ही प्राप्त रमन मैक्से से पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है 2019 का रविश कुमार को भारत के हैं इनको मिला इनके साथ ही किंग जॉन की कोस्वेविन विन अंग खाना और रेमुंडे पुंजाते इन सबको भी पुरस्कार प्राप्त हुआ कुल पांच लोगों को द राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 अमीना तोव हैदर गुओ जियामी ग्रेटा थुनबर्ग डेवी कोपेनावा और होतुकारा यामो मामी एसोसिएशन दोनों को सम्मिलित रूप से ब्राजील की हैं तो इनको इतने लोगों को मिला द राइट लिवलीहुड पुरस्कार दो गांधी मंडेला पीस मेडल दो हजार उन्नीस ये किसको मिला थिक हाथ हान को वियतनाम के हैं मिस इंग्लैंड दो हजार उन्नीस का पुरस्कार या मिस इंग्लैंड दो हजार उन्नीस किसने जीता भाषा मुखर्जी ने भारतीय मूल की है नौ ये पूछा गया प्रश्न है नौवे सार्क फिल्म महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुए इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड नगर कीर्तन जो कि की भारतीय बांग्ला फिल्म है उसको प्राप्त हुआ गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम ये महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है ये अवश्य परीक्षा पूछे जाएंगे बहुत महत्वपूर्ण है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो दोनों लोग जो नोबेल पुरस्कार हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है पुस्तक 2019 हाउ मोदी वन इंडिया ये राजदीप सरदेसाई जो कि इंडिया टूडे में संपादक और जो रिपोर्टर हैं उनके द्वारा लिखी गई है माइंड मास्टर ये विश्वनाथन आनंद शतरंज के जो चैंपियन है भारत के इनके द्वारा लिखी गई है तो बीच में स्लाइड आ गई थी इसको सही ढंग से लगा देंगे लेकिन आ गई थी तो इसलिए हम बता दे रहे हैं अभी आपको मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया ये प्रिया सेराव 2019 का इन्होंने जीता था भारतीय मूल की है महत्वपूर्ण प्रश्न है पेन पिंटर पुरस्कार 2019 ये ले, लेग सिर से एम ब्रिटिश लेखक है इनको प्राप्त किया प्राप्त हुआ था सासा कवा पुरस्कार दो जो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया यूनेस्को गर्ल्डम अवार्ड दो हजार उन्नीस क्या सो ओ एवं वा लोन म्यांमार के हैं इनको प्रदान किया गया बोडले मेडर दो हजार उन्नीस पुरस्कार अमर्त सेन और काजुओा को मिला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दो हजार उन्नीस पीटर तबीची केन्या के हैं इनको प्राप्त हुआ टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 मार्सेलो ग्रीसर को एबेल पुरस्कार 2019 गणित के क्षेत्र का नोबेल भी इसको बोला जाता है कैरन के को जो कि अमेरिका की हैं पहली महिला विजेता भी, भी हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली स्टॉक होम वाटर प्राइज दो हजार उन्नीस डॉक्टर जैकी किंग ने जीता राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 पद्मनाथन गोपालन नो वेस्ट फूड के संस्थापक भी हैं इनको राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 2019 मिला आर्किटेक्चर पुरस्कार 2019 अराता ईसोजॉकी को जापान के हैं इनको प्राप्त हुआ पहला शेख सऊद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2019 यूएई द्वारा जो कि दिया जाता है भारत रत्न प्रोफेसर सी एन आर राव को प्रदान हुआ डेन डेविड पुरस्कार 2019 इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है भारतीय प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया चैम्पियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2018 के लिए नरेंद्र मोदी और इमोनियल मैक्रो को और 2019 में कोस्टारिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया ये विभिन्न जो आ, आयोजन हुए थे उनके आयोजन कहाँ हुए और उनका थीम क्या था बहुत महत्वपूर्ण है तो बजट 2020-21 एक फरवरी 2020 को पेश किया गया लोकसभा में जीवन यापन में आसानी ईज ऑफ लिविंग इसका थीम था आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का थीम धन बनाना था वेल्थ क्रिएशन विश्व पुस्तक मेला 2020 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ गांधी द राइटर्स राइटर writer, अर्थात गांधी लेखकों के लेखक ये इसकी थीम थी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला शारजा में आयोजित हुआ 2019 यूएई में ओपन बुक्स ओपन माइंड्स इसकी थीम थी डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में फरवरी में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में भारत रक्ष उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र इसका थीम था अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला दो नई दिल्ली में आयोजित हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये पूछा जा चुका है इसकी थीम थी स्वच्छता ही सेवा अभियान 2019 मथुरा में आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन इसकी थीम थी यूएनसीसीडी का कोप 14 का 2019 ये यूएनसीसीडी क्या है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ये आ, इसका कोप 14वें का 2019 में आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर इसकी थीम थी ग्यार ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजीलिया में आयोजित हुआ ब्राजील में एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास इसकी थीम थी पैंतीसवां आसियान 2019 सम्मेलन थाईलैंड में स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना इसकी थीम थी प्रमुख चक्रवात और तूफान कब कहां पर आए ये देख लीजिए पूछता है बुलबुल बुल चक्रवात ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर अर्थात बंगाल की खाड़ी में आया नवंबर 2019 में फोनी तूफान ये अप्रैल मई 2019 में आया यहीं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा अर्थात बंगाल की खाड़ी में वायु तूफान जून 2019 में आया था अरब सागर में गुजरात तट से टकराया था पाबुक तूफान वियतनाम थाईलैंड और म्यांमार में जनवरी 2019 में हैगी बीस तूफान ये जापान में आया था अक्टूबर 2019 में फैक्सई जापान में सितंबर 2019 में डोरियन ये चक्रवात अमेरिका में अर्थात बहामास में आया था उत्तरी बहामास में सितंबर दो में उस्मान तूफान यह मनीला फिलीपींस में आया था जनवरी दो में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं तेईसवां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 हाल ही में सात आठ फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित हुआ बहुत महत्वपूर्ण है इसकी थीम थी भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन देश का पहला हस्तशिल्प गांव कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है आगरा में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन दो ये ग्यारह फरवरी दो को कहाँ आयोजित हुआ भोपाल में ईआईपी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 हजार ये जारी हुआ पहले स्थान पे इसमें यूएसए है और भारत इसमें चालीसवें स्थान पे है जबकि 2019 में भारत छत्तीसवें स्थान पे था कुल तेरपन देशों के लिए जारी हुआ है तो भारत का स्थान खिसका है भारत चालीसवें स्थान पर पहुंच गया है ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में किस शब्द को स्थान दिया गया संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया मालदीव राष्ट्रमंडल का पुनः सदस्य बना कैसरा चौनवा सदस्य बन गया 2016 में बाहर हो गया था लेप्रेसी कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दो दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया लोग क्या एक व्यक्ति को और एक ट्रस्ट को दिया गया कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को और डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को प्रदान किया गया वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक दो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी हुआ काफी विवादित था यह काफी विवादित था सौ देशों के लिए जारी हुआ जिसमें नार्वे को पहला स्थान और भारत को लोकतंत्र घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा इक्यानवा स्थान भारत को प्रदान किया गया है 2018 में भारत इकतालीसवें स्थान पे था तीसरे विश्व आलू सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ गांधीनगर गुजरात की राजधानी में जनवरी दो में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहां पे आज कहां पर स्थापित किया जा रहा है मेरठ में जो कारगिल युद्ध में पशु पशुओं ने जो अपनी जान गवाई थी लोगों की सहायता करके देश की सहायता सहायता में देश की रक्षा में उनके लिए मेरठ में यह स्मारक बनाया जाएगा टायलर पुरस्कार जो कि पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है 2020 में पवन सुखदेव जो कि भारत के हैं डब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं वर्ल्ड वाइड फंड के अध्यक्ष भी हैं इस समय इनको प्रदान किया गया इनके साथ ही डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को पुरस्कार प्रदान किया गया बहुत संभावना है इस प्रश्न के आने की विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 जनवरी 2020 में नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ डायने चक्रवात दोस्तों जनवरी 2020 में मेडागास्कर में आया ये भी चक्रवात उस लिस्ट में जोड़ लीजिएगा भारतीय नौसेना ने एक अभियान यहां मेडागास्कर में चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला सूचकांकों की बात करें प्रमुख सूचकांक ये आ सकते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी होता है नॉर्वे और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पे भारत अस्सीवें स्थान पे हो गया जबकि इसके पहले 2018 में अठहत्तरवें स्थान पे था वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 हजार इनसीड के द्वारा जारी होता है पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है बहत्तरवे स्थान पे भारत है जबकि इसके पहले 2018 में भारत का स्थान था तो स्थिति बेटर हुई है प्रथम वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी हुआ डेनमार्क पहले स्थान पे छिहत्तरवें स्थान पे भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में स्वीडन पहले स्थान पे रहा स्थान पे भारत ये जर्मन वाज के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है पहले स्थान पे आइसलैंड एक स्थान पे भारत रहा डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी होता है Doing Business इंडेक्स इसका पूरा नाम है न्यूजीलैंड पहले स्थान पे और भारत तिरसठवें स्थान पे रहा काफी अच्छा अचीव कर रहा है भारत इस क्षेत्र में. सतहत्तरवे स्थान पे था मात्र 2019 में तिरसठवें में भारत आ गया है 2020 में मानव विकास सूचकांक 2019 जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी हुआ पहले स्थान पे नॉर्वे भारत एक स्थान पे जबकि इसके पहले दो में भारत एक पे था ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के संस्था है इसके द्वारा जारी हुआ पहले स्थान पे आइसलैंड एक स्थान पे भारत पहुंच गया है जबकि 2018 में भारत एक पे था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी होता है नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर रहा भारत एक स्थान पर 2018 में भारत की स्थिति एक थी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 ये हैप्पीनेस इंडेक्स यूएन एस के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी होता है फिनलैंड पहले स्थान पर और 140वें स्थान पे भारत रहा इसके पहले 2018 में भारत 133वें स्थान पे था वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल के द्वारा जारी होता है बेलारूस पहले स्थान पे भारत एक स्थान पे था 2018 में जबकि भारत की स्थिति एक सौ थी बासठवें ग्रैमी अवार्ड 2020 जो दिए गए अभी हम आपको एक बताए थे बासठवें में एल्बम ऑफ द ईयर का वेन वी आर फॉल अस्लीप का इसको पुरस्कार मिला रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ ईयर का अवार्ड बैड को मिला है ये विभिन्न पुस्तक है प्रमुख और इनके लेखक हैं लिसनिंग लर्निंग व लीडिंग वैकैया नायडू की पुस्तक है रिसर्जेंट इंडिया विमल जालान की है द न्यू डेली कॉन्स्पिरेसी मीनाक्षी लेखी व कृष्ण कुमार की पुस्तक है बिकमिंग ओबामा की पुस्तक है द वर्डिक्ट प्रणव राय की पुस्तक है इवरी वोट काउंट्स नवीन चावला की पुस्तक है इवरी वोट काउंट्स नवीन चावला की पुस्तक है नमस्ते शैलोम तरुण विजय की है सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदंबरम की पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड डिस मलाल की, brief, की है चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की ब्रीफ आंसर्स टू द ब्रीफ बिग क्वेश्चंस स्टीफन हॉकिंग्स की पुस्तक है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर की पुस्तक है गांधी द इयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड रामचंद्र गुहा की पुस्तक है लालू लीला सुशील मोदी की पुस्तक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस वेंकैया नायडू की पुस्तक है इलेवेंथ आवर एस हुसैन जैदी की पुस्तक है द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओदानजे की पुस्तक है कर्मयोगी रामेन सिन्हा की पुस्तक है अनीता गेट्स बेल अरुण शौरी की पुस्तक है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट अरुण शौरी की पुस्तक है टाइम फॉर ऑल थिंग्स रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य ने मिलकर लिखी है एग्जाम वॉरियर्स तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है मातोश्री सुमित्रा महाजन की पुस्तक है नरेंद्र मोदी की विभिन्न पुस्तकें जो हैं साक्षी भाव ज्योतिपुंज सोशल हार्मोनी और एग्जाम वॉरियर्स और ये पुस्तकें महत्वपूर्ण है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम अभिजीत बनर्जी एस्टर डेफ्लो की दो हाउ मोदी वन इंडिया राजदीपर सरदेसाई माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की भारत के चौदहवें राष्ट्रपति देखिए पूछ लेता है क्रम कौन सा है तो चौदहवें राष्ट्रपति हैं सी रामनाथ कोविंद तेरहवें उपराष्ट्रपति है सी एम वेंकैया नायडू सैतालीसवें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे ये तेईसवें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है सुनील अरोड़ा है तेईसवें मुख्य चुनाव आयुक्त पंद्रहवें प्रधानमंत्री कौन है नरेंद्र मोदी ये पंद्रहवें प्रधानमंत्री पूछा जा सकता है और रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर हैं शक्तिदान दास पच्चीसवें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये महान्यायवादी कौन है के के वेणुगोपाल हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है ओम बिड़ला है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेह श्रीवास्तव हैं उपाध्यक्ष नीति आयोग डॉक्टर राजीव कुमार हैं सीईओ नीति आयोग के कौन है अमिताभ कांत हैं अध्यक्ष कौन है इक्कीसवें विधि आयोग का बाईसवां विधि आयोग बनाया जा रहा है इक्कीसवें के बलबीर सिंह चौहान अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग कौन है रेखा शर्मा है पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे एन के सिंह बीसीसीआई के उनतालीसवें अध्यक्ष कौन है सौरभ गांगुली वायुसेना अध्यक्ष कौन है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार आर के सिंह बदोरिया। नौसेना नौसेनाध्यक्ष कौन है एडमिरल करमबीर सिंह थल सेना कौन, है? मनोज कैबिनेट कौन है राजीव गौबा हर्षवर्धन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है जनरल बिपिन रावत विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है डेविड मालपास प्रबंध निदेशक आई की कौन बनी है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा बुल्गारिया की है महानिदेशक डब्ल्यू टीओ वर्ल्ड के रॉबर्ट अजोवेडो हैं महानिदेशक यूनेस्को के कौन है आंद्रे अजोले महत्वपूर्ण समितियां हैं आयोग हैं उनके अध्यक्ष कौन है तो जन प्रतिनिधित्व कानून उन्नीस के रिव्यू हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं उमेश सिन्हा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में बना है आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए यह आयोग बनाया गया है द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग पीवी पीपी रेड्डी के द्वारा पीपी रेड्डी अध्यक्ष हैं इसके लोन संबंधी धोखाधड़ी हेतु तो समिति वाई एच मालेगाम के अध्यक्षता में बनी है एनपीए के निस्तारण हेतु तो अमिताभ कांत की अध्यक्षता में समिति बनी है रेलवे में सुधार हेतु तो समिति बनी है उसके अध्यक्ष विवेक देवराय हैं प्रत्यक्ष कर के सरलीकरण हेतु जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष अरविंद मोदी हैं मिहिर शाह समिति जो है मिहिर शाह की समिति के अध्यक्ष हैं नई राष्ट्रीय जल नीति अधीर रंजन चौधरी भी लोक लेखा समिति के ये अध्यक्ष हैं टी एम भसीन बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं चारधाम परियोजना का अध्ययन करने के लिए रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में समिति बनी है डॉक्टर अनूप सतपति किस समिति के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी संबंधी समिति बनाई गई है उसके प्रमुख अभ्यास हैं किन देशों के मध्य होते हैं नाम याद रखिएगा बस नोमेडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच अभ्यास एकुवेरिन भारत एवं मालदीव के बीच कांजिद भारत एवं कजा कजाकिस्तान के बीच कज, कज इंड कजाकिस्तान इंडिया अभ्यास मालाबार भारत जापान और यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री मैत्री जिसको कहते हैं यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है मैत्री अभ्यास स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है कारपेट यह भारत थाईलैंड के बीच इस बार का हुआ था 2019 का कार्पोरेट कई देशों के साथ होता है बांग्लादेश के साथ पिछली बार हुआ था इसके पहले इंडोनेशिया के साथ हुआ था युद्ध अभ्यास ये भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है हैंड इन हैंड इन भारत और चीन के मध्य गरुण और वरुण ये दोनों ही भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स दोनों दोस्तों भारत और सिंगापुर आई एन वीपीएन भारत और वियतनाम के मध्य बी आई एल ए टी एक्स सॉरी इसका पूरा नाम है आई एन बीपीएन बी आई एल ए टी ई एक्स भारत और वियतनाम के मध्य होता है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य ए एफ आई एन डी ई एक्स ये भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य अलनागा थ्री भारत एवं ओमान के मध्य अलनागा के नाम से होता है संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है इम्बेक्स भारत और म्यांमार के मध्य होता है इंद्र नेवी या इंद्रा भारत और रूस के मध्य शूर मैत्री भारत एवं जापान के मध्य अभ्यास कोप इंडिया भारत और अमेरिका के मध्य पहाड़ भारत अमेरिका के मध्य इंद्र भारत और रूस के मध्य मिलान करने के लिए आएगा यह प्रश्न अंतिम चरण में प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं हम देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है वहाँ लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का अब उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे जाइए वहाँ पे हम ये पूरा पीडीएफ दे दे रहे हैं समे और फेसबुक फेसबुक ग्रुप पे जो भी लोग हैं टी सी एस जो हो फेसबुक ग्रुप पे वहाँ भी हम दे दे रहे हैं सम्मेलनों की बात करें तो चौदहवां जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2019 जापान के ओसाका में हुआ इसका जो थीम था भविष्य का मानव केंद्रित समाज जी ट्वेंटी का स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन भी इसी समय आयोजित हुआ आकोयामा शहर जापान में ठीक है तेरहवां दो हजार अठारह कहां हुआ था ब्यूनस ब्यूनसायस में हुआ था अर्जेंटीना में यानी अगला दो हजार बीस में कहा होगा रियाद में सऊदी अरब में भारत में सत्रहवा सम्मेलन इसका होगा नई दिल्ली में भारत में ठीक है सत्रहवा होगा दो हजार बाईस में बत्तीसवां और तैतीस तैतीसवां शिखर सम्मेलन 2018 हजार अठारह कहा आयोजित हुआ था सिंगापुर में और चौतीसवां व पैंतीसवां आसियान शिखर सम्मेलन दो हजार उन्नीस थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ जो कि दो हजार उन्नीस में आयोजित हुआ एक वर्ष में दो आयोजन होते हैं आसियान के भारत आसियान व्यापार सम्मेलन दो हजार उन्नीस फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दो हजार अठारह यह काठमांडू में नेपाल में आयोजित हुआ पांचवा कहा होगा कोलंबो श्रीलंका में प्रस्तावित है पहला कहा हुआ था बैकाक थाईलैंड 2004 में ग्यारहवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 हजार उन्नीस यह कहा हुआ ब्राजील में आयोजित हुआ दसवां कहा हुआ था जोहांसबर्ग में साउथ अफ्रीका में बारहवा कहा होगा रूस में यकातेरिन में उन्नीसवां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन दो हजार उन्नीस बिशेकान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुआ अठारवां कहां हुआ था किंगदाओ शहर चीन में और बीसवा कहां होगा 2020 में रूस में होगा पैंतालीसवां जी सेवन शिखर सम्मेलन 2019 हजार उन्नीस का आयोजन बिया रिड शहर फ्रांस में हुआ चौवालीसवां कहां हुआ था क्यूबेक सिटी कनाडा में और छियालीसवां यानी 2020 में कहा आयोजित होगा अमेरिका में पच्चीसवां चोगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन जिसको कहते हैं लंदन में आयोजित हुआ था छब्बीसवां दो में रवांडा में आयोजित होगा छब सताईसवा दो हजार बाईस में कहा आयोजित होगा हर दो वर्ष में आयोजित होता है समुआ में आयोजित होगा इंटरपोल 2019 इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो आ, असेंबली का सम्मेलन होता है यह कहां आयोजित हुआ चिली में 2022 में भारत में सम्मेलन रखा गया है यूएनसीसीडी का को फोर्टीन अभी हमने आपको बताया भारत में नोएडा में यह आयोजित हुआ इसकी स्थापना कब हुई थी 17 जून उन्नीस को पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी तेरहवा कहा आयोजित हुआ था शहर चाइना में जबकि को फोर्टीन नोएडा ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप 24 2018 में केटोविस पोलैंड में आयोजित हुआ था कोप 25 2019 स्पेन की राजधानी मेड्रिड में हालांकि चिली में प्रस्तावित था लेकिन चिली में किसी कारणवश आयोजित नहीं हो पाया पचासवा गोल्डन जुबली भारत अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 हजार कहां मनाया गया पणजी में पणजी में ही होता ही है चतुर्थ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन कमिश्नर ए वेब कहा आयोजित हुआ बेंगलुरु में इसके जो प्रमुख थे सुनील अरोड़ा इसकी अध्यक्षता करते हैं चौथा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन कमीशन का आयोजन था ए वेब इसका नाम रखा गया भारत चीन औपचारिक अनौपचारिक सेकंड शिखर सम्मेलन 2019 हजार उन्नीस आयोजित हुआ तमिलनाडु दूसरा था यह पहला कहां आयोजित हुआ था युहान में चाइना में तमिलनाडु में आपको पता है सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के वो आए हुए थे मामलपुरम शहर भी घुमाया था प्रधानमंत्री ने सी फोर्टी जलवायु शिखर सम्मेलन दो हजार उन्नीस ये कोपेनहेगन में आयोजित हुआ जुलाई 2019 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित हुआ ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स इसका नाम है फुल नाम क्या है ग्लोबल कन्वेंशन ऑफ मेयर्स है इनका 40वां सम्मेलन था ये विभिन्न जो दुनिया भर के 40 मुख्य शहर हैं उनके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं नोवा सार्क फिल्म महोत्सव 2019 हजार कोलंबो में श्रीलंका में हुआ नागर कीर्तन को जिसके निर्देशक कौशिक गांगुली हैं सवशेष फिल्म सहित चार पुरस्कार प्राप्त हुए उनतालीसवां विश्व कवि सम्मेलन दो हजार उन्नीस भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ पांचवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता में आयोजित हुआ चौथा कहा हुआ था लखनऊ में दो में डिफेंस एक्सपो 2020 लखनऊ में आयोजित हुआ नमस्ते पेसिफिक कार्यक्रम 2019 दिल्ली में आयोजित हुआ अगस्त 2019 में महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहा आयोजित हुआ केरल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 द्वितीय संस्करण जो की था पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ अंडर 17 और अंडर 21 के लोग इसमें भाग लिए तीसरा जो है आयोजित होगा गुवाहाटी 2020 में पहला जो हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुआ था 2018 में केवल अंडर 17 वाले स्टूडेंट्स इसमें भाग लिए थे दिल्ली में आयोजित हुआ था यह पंद्रहवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन दो वाराणसी में आयोजित हुआ था 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य वाराणसी में इसकी थीम आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं काफी पुराना हो गया प्रत्येक अब वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है पहले प्रतिवर्ष किया जाता था संयुक्त राष्ट्र महासभा का चौहत्तरवा सत्र 2019 यह जो आयोजित हुआ वाशिंगटन में अध्यक्ष इसके तिजानी मोहम्मद बांदे सॉरी न्यूयॉर्क में यह आयोजन हुआ जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है चौहत्तरवा सत्र था इसके अध्यक्ष कौन थे तिजानी मोहम्मद बांदे नाइजीरिया के हैं मोदी संबोधन मोदी का संबोधन कब हुआ था यहां पर पूछा जा सकता है कई बार पूछा गया है सत्ताईस सितंबर दो को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था उल्लेखनीय कि 22 20 सितंबर 2019 ये डेट याद रखिएगा हाउदी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था ह्यूस्टन शहर जो कि टेक्सास का है राज, राज्य टेक्सास राज्य है यूएसए का ह्यूस्टन शहर में आयोजित किया गया था हाउडी मोदी कार्यक्रम इसका थीम था साझा सपने उज्जवल भविष्य हाउडी मोदी का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है कैसे हो किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था पूछा जाए तो एनआरजी स्टेडियम में सेवा प्रोग्राम भी आयोजित किया गया इसी तर्ज पे कहां पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जब प्रधानमंत्री आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे निमीबुत्र स्टेडियम में आयोजन हुआ कब हुआ एक नवंबर 2019 को तो आज का महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स का ये वीडियो बनाना जरूरी था आपके लिए रामायण में हर परीक्षा के लिए ले आता हूं इसका थोड़ा लेट हो गया लेकिन लेट इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ फैक्ट्स का इंतजार था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मेरे अनुसार ये कंप्लीट पैकेज है यहां से काफी सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के आपके आ जाएंगे तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें ढेर सारा शेयर कर दिया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले पाए बहुत बहुत धन्यवाद